जोहार लोकल खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष शेखर। झारखंड से बड़ी खबर है। झारखंड लोक सेवा आयोग अब 7वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा का नया रिजल्ट जारी करेगा। 7वीं जेपीएससी के पीटी रिजल्ट में आरक्षण दिए जाने के खिलाफ याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जेपीएससी ने नया संशोधित ड्राफ्ट रिजल्ट जारी करने की बात कही, जिसके बाद प्रार्थियों ने अपनी याचिका वापस ले ली है। आज जो जेपीएससी में अपील हम लोगों ने फाइल किया था कि जिसमें पीटी में आरक्षण दिया गया था, उस मामले में आज कोर्ट में जेपीएससी ने इंटरलॉकेटरी एप्लीकेशन से एक ड्राफ्ट प्रपोज रिजल्ट कोर्ट के सामने रखा और ये रिजल्ट रेक्टिफाइड और अमेंडेड रिजल्ट था, जैसा कि हम लोग ने प्रेयर किया था और मांग किया था कोर्ट से। और इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमारे क्लाइंट्स सफल हो गए हैं और कई सारे नए अभ्यर्थी की एंट्री हुई है मेन्स एग्जामिनेशन के लिए। अराउंड 1044 नई कैंडिडेट्स अब मेन्स एग्जामिनेशन में बैठेंगे और अराउंड 407 कैंडिडेट जो पहले सेलेक्ट हुए थे उनको बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग की ग्रीवांसेस और जो प्रेयर है वो रिजॉल्व कर दी, इसलिए हम लोग ने आज अपील को विड्रॉ कर लिया। अनरिजर्व कैटेगरी के 782 नए अभ्यर्थी शामिल हुए, बीसी कैटेगरी के करीबन 154 और बीसी2 कैटेगरी के करीबन 108 नए अभ्यर्थी को शामिल किया गया रेक्टिफाइड रिजल्ट में।